नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनावी सीजन नजदीक आ रहा है, चुनावी मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अगर ये कहें कि राजनीतिक बुखार, चुनावी बुखार कह रहे हैं या राजनीतिक घटनाक्रम दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनमें तब्दीली आ रही है। क्योंकि जब चुनाव का वर्ष नजदीक होता है तो उस समय नेताओं के अंदर अपनी जमीन तलाशना, अपना ये देखना कि उनका आगे वजूद क्या है, जनता उनके बारे में क्या राय रखती है, कौन सी पार्टी से उनका चुनाव लड़ना बेहतर होगा, क्योंकि जो इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं लोग, वो इस बात पे खास नजर रखते हैं कि जिस एरिया से वो चुनकर गए थे, उस क्षेत्र में जिस पार्टी से वो चुनकर गए थे, उस पार्टी की हवा कैसी है, उनका अपना पर्सनल नजरिया कैसा है। नेता ये भी देखते हैं कि जिस पार्टी से वो चुनकर गए थे, उस पार्टी से उन्हें अगले आने वाले चुनाव में जो अगला चुनाव होगा, वो पार्टी उनको टिकट देगी या नहीं देगी, उनकी पार्टी उनके बारे में क्या राय रखती है, उनके क्षेत्र के लोग क्या राय रखते हैं। मसलन ये सभी जो बातें होती हैं, ये राजनीतिक लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं और इसी के हिसाब से राजनीतिक लोग अपना अगला जमागड़ा गुणाभाग करते हैं। आज मैं आपसे जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ, उसके पीछे जो मुख्य बात है वो ये है कि पिछले दिनों यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर, हालांकि मकर संक्रांति के दिन तो प्रोग्राम नहीं हुआ था, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने जो दिल्ली का उनका निवास है, 15 ताल कटोरा रोड पर, एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन अपने घर में एक शाकाहारी भोज का आयोजन करते रहे हैं। पिछले दिनों कोविड जब आया तो कोविड के समय में ये भोज बंद हो गया था, और आजकल जब मकर संक्रांति के दिन थे तो उन दिनों में राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ व्यस्त थे, इसलिए वो जो भोज था, मकर संक्रांति का जो भोज था, वो थोड़ा सा लेट हुआ। अभी पिछले सप्ताह 15 ताल कटोरा रोड पर वो भोज हुआ। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में आपको एक बात बता दूं, जो लोग हरियाणा से बेस्ड हैं और खासकर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जानते हैं, वो अच्छे से जानते होंगे मकर संक्रांति का जो पर्व है वो रूठों को मनाने का पर्व होता है। अगर किसी से किसी की नाराजगी हो तो कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिनों मानते हैं। कहा यह भी जाता है कि राजनीतिक रिश्ते ही नहीं, अगर परिवार में भी कोई विवाद होते हैं, कोई बात होती है, इवन सास बहू के जो रिश्ते होते हैं, इनके अंदर भी इनकी नजाकत को देखते हुए मकर संक्रांति का दिन मनाने का माना जाता है, रूठों को मनाने का, मतभेद दूर किए जाते हैं। वैसे तो भारतीय पर्व जो है, त्यौहार है जो है, वो सभी मतभेदों को दूर करने के हैं, लेकिन मकर संक्रांति के पर्व को खासकर माना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपने निवास पर एक दावत दिया करते हैं, भोज दिया करते हैं। अब की बार भी उन्होंने दावत दी। उस दावत के अंदर जो मुख्य बात देखने में सामने आई वो ये थी कि कांग्रेस के कई चेहरे नदारद थे और भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे उस दावत के अंदर मौजूद थे। अब अगर आप ये कहें कि इसके अंदर कौन सी बड़ी बात हो गई, भी सामाजिक कार्यक्रम था, कोई भी जा सकता है, लेकिन राजनीतिक लोगों के लिए चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, उनके मायने राजनीतिक ही निकाले जाते हैं हमेशा। कौन कहाँ जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है, इस सब के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक बात रहा करती है। अब उस दावत के अंदर, उस भोज के अंदर जो लजीज खाने का आनंद लेने के लिए जो लोग पहुंचे थे, उन लोगों के अंदर हरियाणा के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, कई राज्यों के नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता कई थे उसके अंदर। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि वो जो लोग थे वो सभी जानते हैं, और कांग्रेस के जो लोग थे उनसे किसी की बहुत बड़ी दिलचस्पी भी हो सकती है कौन से लोग थे, लेकिन दिलचस्पी यह जरूर होगी कांग्रेस के लोग कौन से नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के कौन से लोग थे। तो जो कांग्रेस के लोग उस भोज में नहीं थे हरियाणा के, वो थे रणदीप सुरजेवाला, उस भोज में नहीं थे। उस भोज में किरण चौधरी नहीं थी, उस भोज में कुमारी शैलजा नहीं थी। हरियाणा के तीनों बड़े कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, लेकिन जो उस भोज के अंदर जो मुख्य लोग मौजूद थे, उनके अंदर जिन पर सबकी नजर गई, और जिस बात का मैं आपसे जिक्र भी कर रहा हूँ, वो दो चेहरे थे हरियाणा के सांसद, भाजपा के सांसद सोनीपत के रमेश कौशिक और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह उस भोज में मौजूद थे, और उन दोनों की मौजूदगी कुछ कह रही थी। आपको बता दें कि रमेश कौशिक और धर्मवीर जो दोनों सांसद हैं आज भारतीय जनता पार्टी के, इनका बेस कभी कांग्रेस भी रहा है, कांग्रेस के नेता रहे हैं बड़े, धर्मवीर सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में उनकी सरकार में वजीर भी रहे हैं,
और विधायक भी रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात एक और है कि धर्मवीर और रमेश कौशिक इन दोनों में आजकल अपनी पार्टी में अपनी टिकट को लेकर के भी कहीं शक शुभा की भी है, कोई गुंजाइश भी है कि कहीं पार्टी में कोई बदलाव ना हो। दोस्तों, रमेश कौशिक ने पिछले लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से हराया था। सोनीपत वो लोकसभा क्षेत्र है जिसे जाट बाहुल्य माना जाता है, लेकिन रमेश कौशिक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गज को वहां पटकनी दी थी और थोड़े बहुत अंतराल से नहीं, बड़े मार्जिन से उनको चुनाव हराया था। लेकिन पिछले दिनों से कहीं कई चर्चाएं चल रही हैं कि उनका मन शायद भाजपा में कम लग रहा है। हालांकि उनकी साइड से कभी ऐसी कोई बात आई नहीं, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, जो राजनीतिक कयास होते हैं, वो इस प्रकार के हैं कि रमेश कौशिक का मन कम लग रहा है और इधर धर्मवीर जी का मन भी बताते हैं कि भाजपा में कम लग रहा है आजकल। एक बात और भी है कि धर्मवीर और किरण चौधरी का आपस में 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। चौधरी बंसीलाल से लेकर के और आज तक की राजनीति में अगर यदि तोशाम के क्षेत्र के अंदर कोई दो राजनीतिक परिवार आमने सामने रहे हैं तो चौधरी बंसीलाल का, जिनकी अब विरासत संभाल रही हैं किरण चौधरी, और धर्मवीर का, ये दोनों आमने सामने रहे हैं। 1987 के अंदर जो शुरुआत हुई थी, जब चौधरी बंसीलाल के सामने धर्मवीर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे तोशाम से, उसके बाद से लेकर आज तक ये दोनों परिवार राजनीतिक रूप से आमने सामने रहे हैं। और यही वजह थी कि जब धर्मवीर कांग्रेस में गए और जब किरण चौधरी सक्रिय हुई तो धर्मवीर जी को सोहना जाना पड़ा विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। खैर, क्योंकि राजनीति एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके अंदर इतिहास की बुनियाद पर भविष्य का निर्माण होता है, और मैं आपसे इस बात का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 2014 के चुनाव से पहले तो एक बहुत बड़ा दलबदल हुआ था। कांग्रेस से बहुत बड़ी संख्या में लोग भाजपा में गए थे और जिन दो नामों का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो भी 2014 में ही भाजपा में गए थे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस चुनाव के अंदर किस प्रकार के रंग होंगे, किस प्रकार की लोग गतिविधियां होंगी, कैसे कैसे लोग पार्टी बदलेंगे, निष्ठाएं बदली जाएंगी और हरियाणा के अंदर उसका क्या असर होगा, इस पर नजर हम भी रखेंगे और दिलचस्पी आपकी भी होगी। आज तो मुख्य बात ये थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके मकर संक्रांति के भोज में सांसद रमेश कौशिक और सांसद धर्मवीर सिंह की उपस्थिति कुछ कह रही थी। वो उपस्थिति आगे क्या रंग लाएगी, किस प्रकार के राजनीतिक हालात बनेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपकी दिलचस्पी भी होगी जानने की और हम भी समझते हैं कि आपको समय समय पर जैसी जानकारी हमारे पास हो आपको दें। बस इस सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।